खबरदार शेर खान, शेर खान, मोगली, क्या तुम भूल गए मैंने क्या कहा था? तुम शांति भंग कर रहे हो, तुम्हें जंगल के नियमों का पालन करना होगा। नहीं शेर खान, ये गलत है। खामोश, बस करो। कानून इस जगह लड़ाई करने की इजाजत नहीं देता। बेवकूफ, तुम बच नहीं सकते बच्चे। इस छोकरे के शिकार का इरादा छोड़ दो शेर खान। बहुत साल पहले तुम्हारे पुरखों ने भी यही गलती की थी, उसकी सजा हम आज तक भुगत रहे हैं। क्या यह काफी नहीं? जानते हो ना, उसने भी कानून तोड़ा था और तब हम सबको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। मालूम है तुम्हारे बुजुर्गों के जिस्म पर ये लकीरें कैसे पड़ी थीं? क्या मुझे धमका रहे हो? अब चले जाओ शेर खान। नीली नदी को गंदा करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चले जाओ। चला गया? बहुत भूख लगी है। अभी तो खाना खाया है तुमने। क्या खाया? वो खाना भी कोई खाना था मोगली? पूरा दिन शिकार करने के बाद एक बूढ़ा खरगोश मिला था, उसे तुम खाना कहते हो? वो भी पता नहीं कैसे मिल गया था किस्मत से। अरे वहाँ नीली नदी पर कितने जानवर हैं, लेकिन हम उनका शिकार नहीं कर सकते। वो अच्छी तरह जानते हैं वहाँ उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। खैर कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो ये समस्या खत्म होगी। मेरा विचार है नदी का एक चक्कर लगाया जाए, हो सकता है थोड़ा पानी पीने से कुछ राहत मिले। काफी अच्छा विचार है। कोई बेवकूफी मत करना। याद नहीं हाथी ने क्या कहा था? हम सिर्फ पानी पीने जाएंगे। मेरे ख्याल से समय बिताने का ये अच्छा तरीका है। अरे रुको तो सही, मैं भी आता हूँ। तुम्हें भी प्यास लगी है? नहीं, वहाँ हाथी है। मैं उससे पूछना चाहता हूँ शेर ने कौन सा अपराध किया था। क्या तुम जानते हो बगीरा? नहीं मैं नहीं जानता मोगली, ये तो मेरे पैदा होने से बहुत पहले की बात है, समझे? फिर तुम भी क्यों नहीं साथ चलते गुरुजी, कुछ तो सीखोगे। अहा, क्या कर रहे हो का? आराम कर रहा हूँ। हाथी जी, आज दोपहर आपने शेर खान के पुरखों की और उनकी अपराधों की बात कही थी। क्या कहानी थी वो जिससे डरकर शेर खान चला गया? आप सुनाएंगे मुझे, मैं जानना चाहता हूँ। क्या मेरी तरह सभी तो जानते हैं, का, सरपंच, भालू, क्या तुम्हें किसी ने कुछ भी नहीं बताया मोगली? उन्होंने बहुत कुछ बताया लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं। और इसलिए अब तुम जानना चाहते हो। ये कहानी शेर, हाथी और मनुष्य की है, सोचता हूँ तुम्हें सुना ही दूं। सुनाओ सुनाओ। अच्छा तो तुम सभी सुनना चाहते हो? तो ठीक है।
जंगल में रहने वाले सभी दोस्तों ध्यान से सुनो, मैं जो कहानी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी उतनी ही पुरानी है जितना कि ये जंगल। हालांकि कोई भी नहीं जानता कि ये जंगल कितना पुराना है। कहा जाता है कि उस समय सब जानवर एक साथ रहते थे, कहीं सूखा नहीं था, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, फल फूल बहुत कुछ था खाने के लिए, सब कुछ था जीने के लिए, सभी जानवर खुश थे, किसी को किसी का डर नहीं था। उस वक्त जंगल में सिर्फ रानी का राज्य था, रानी जो हाथियों में सबसे बड़ी थी और सारा जंगल उसकी बात मानता था। आज हम मनुष्य से बहुत ज्यादा डरते हैं, उस वक्त ऐसा नहीं था क्योंकि हम मनुष्य को जानते ही नहीं थे, और जिसके बारे में कोई जानकारी ही ना हो उससे डर कैसा। आप, अरे यह ठीक नहीं, तुमने मेरे अंगूर चुराए, अगर तुम्हें अंगूर चाहिए तो जाके अपने आप ढूंढ लो। ये सब काम मुझसे नहीं होगा, मैं तो बस सूरज के नीचे आराम करना चाहता हूँ, और फिर जरूरत भी क्या है, हम दोस्त हैं, तुमने खाया मैंने खाया एक ही बात है। वाह बच्चू, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं लाया, समझे तुम? अंगूर वापिस दो मुझे। नहीं, हिम्मत है तो ले लो वापिस। बहुत पछताओगे तुम। क्या कर लोगे? तुमने मुझे अंगूर नहीं दिए। अरे जाओ। रानी हमारी मदद करो। क्या बात है? इसने मेरे अंगूर चुराए। नहीं रानी, ये झूठ बोलता है। तुम झूठ बोलते हो। तुम झूठ बोलते हो। और इस तरह अंगूरों के लिए वो आपस में लड़ने लगे, जबकि खाने की कोई कमी ही नहीं थी। रानी को दूसरे जंगल भी संभालने थे, वो सारा समय यहाँ के झगड़े निपटाने में तो नहीं लगा सकती थी, उसे यहाँ का कार्यभार देखने के लिए एक सहायक की जरूरत थी। उन दोनों शेर बहुत ही खूबसूरत था, उसकी खाल सुनहरी थी, उस पर लकीरें भी नहीं थी। रानी ने सबसे बड़े शेर को जंगल का न्यायाधीश बना दिया और दूसरे जंगल चली गई। ये पहला झगड़ा था जिसे सुलझाने का मौका शेर को मिला। मैं अपने खाने के लिए कुछ अंगूर ढूंढ के लाया और इसने मुझसे छीन लिए। तो क्या हुआ, तुम मर नहीं गए? वहाँ बहुत सारे अंगूर थे, और ले आते। खामोश, तुम लोग यहाँ झगड़ा करने आए हो या फैसला करवाने, ये कोई तरीका है मेरे सामने बात करने का? तुम्हारी ये हिम्मत मुझे मारा। ये क्या कर दिया तुमने? क्या? बचाओ बचाओ, ये शेर पागल हो गया है, मुझे मार डालेगा, बचाओ। चिल्लाओ मत, मेरी बात तो सुनो। ओहो, ये क्या हो गया मुझसे, मेरा ऐसा इरादा तो नहीं था। अब निकल जाऊं यहां से। क्या हो रहा है यहाँ? अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मुसीबत है, चलो देखते हैं। तुम रानी को बुला कर लाओ। सभा स्थान पर चलो जल्दी। सुनो, जल्दी से हमारे पीछे आओ।
किसने मारा इसको? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, पता नहीं किसने हमारे दोस्तों की जान ली है। मैंने ऐसा तो कभी नहीं देखा, इतना गिरा हुआ काम कौन कर सकता है? मुझे नहीं मालूम, पता नहीं अब क्या होने वाला है। ये सब कैसे हुआ? मुझे यही डर था, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या पता, हमने नहीं देखा। जब हम यहाँ पहुंचे तो ये इसी हालत में पड़े हुए थे। हाँ, तो तुम में से कोई नहीं जानता कि अपराधी कौन है? ऐ जंगल के पेड़ पौधों, तुमने तो अपराधी को देखा होगा। मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, अगर वो तुम्हारे करीब से गुजरे तो उसके बदन पर ऐसे निशान बना दो कि वो आसानी से पकड़ा जा सके। मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। जंगल में पहली बार ऐसी मुसीबत खड़ी हुई। शेर ये भूल गया कि वो न्यायाधीश है और एक जुर्म कर बैठा है। क्या वो शेर भी बहुत खतरनाक था? क्या उसकी भी आवाज में शेर खान जैसी गुर्राहट थी? उस शेर की एक ही गलती ने पूरे जंगल की शांति भंग कर डाली। ये देखो कैसा जानवर है, कितना भद्दा लगता है। मुझे क्या बोलते हो, जरा अपनी सूरत तो देखो। अपने सिंह देखे हैं कभी? अपनी पूंछ के बारे में सोचा है कभी? कितनी लंबी है, छोटी कर दो इसे। तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम अपना सर देखो। देखते ही देखते सारे जंगल में मायूसी छा गई। सभी जानवर दिन भर या तो सुस्ताते रहते या फिर एक दूसरे से बहस करते रहते। बड़ा शेर जिसे न्यायाधीश बनाया गया था, उसे डर था कि जल्दी ही उसकी पोल सबके सामने खुल जाएगी। यही सोचकर वो बहुत लंबे अरसे तक अपनी गुफा में छुपा रहा। और फिर एक दिन रानी वापस आई। मेरा भी आज दिल नहीं लग रहा। सभी शांत होकर मेरी बात सुनो, ये लड़ाई झगड़ा बंद होना चाहिए। अब समय आ गया है जंगल में कानून लागू करना होगा और तुम सबको इसका पालन करना होगा, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन हिरणों का हुआ। आज से तुम्हें डर महसूस होगा, हो सकता है मेरी गैर हाजिरी में तुम डर के बारे में थोड़ा बहुत जान गए होगे, लेकिन मैं उससे भी बड़े डर की बात कर रही हूँ जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। ये डर क्या होता है, हम कैसे पहचान पाएंगे? कोशिश करोगे तो जान जाओगे, इसे पहचानना बहुत आसान है। जब तुम झगड़ा करते हुए डरने लगोगे, तुम खुद ही जान जाओगे कि डर क्या होता है। तब तुम्हें जंगल के कानून से डर महसूस होगा और तुम झगड़ा नहीं करोगे। हमें जंगल के कानून से डरना होगा, तुम जानते हो का? जानता हूँ, तुम धीरे रखो मोगली, पहले हाथी की बात सुनो। ठीक है, लेकिन मैं शेर के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। यही वो कानून था जिसे सबसे पहले रानी ने जंगल में लागू किया। सब ध्यान से सुनो, कानून से तुम्हें किस तरह का डर होगा मैं समझाती हूँ तुम्हें। अगर कोई बिला वजह किसी पर हमला करेगा तो उसे जंगल से निकाल दिया जाएगा। आज से ये कानून सबको मानना होगा। कोई इस कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर कोई बिला वजह किसी पर हमला करेगा तो उसे हमेशा के लिए जंगल से निकाल दिया जाएगा। यही कानून था जो रानी ने लागू किया था। जब उसे यकीन हो गया कि सब समझ गए हैं, तो वो जंगल छोड़कर कहीं और चली गई। फिर जंगल का हर प्राणी उस डर को खोजने लगा और उसकी तलाश में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। डर का पता चला? वही तो देख रही हूँ, अभी तक नहीं मिला। लेकिन ये दिखने में होता कैसा है?
तुमने चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं कुछ मिला तुम्हें? कुछ नहीं। और तुम्हें कुछ मिला क्या? नहीं अभी नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ ये डर इतना खतरनाक है तो जरूर रानी से बड़ा होगा। तुम ठीक कहते हो, मैं तो यूं ही चूहों के बिल में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ। मैं नदी के उस पार जाकर ढूंढता हूँ उसे, ठीक है? आंखें खुली रखना। तुम्हें कुछ मिला कहीं? नहीं, मैं तो ढूंढ ढूंढ कर थक गया। मिल गया, मिल गया, मैंने ढूंढ लिया, मैंने डर को ढूंढ लिया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? क्या सचमुच तुमने उसे ढूंढ लिया है? बताओ कैसा लगता है देखने में वो? क्या बताऊं, पहले कभी नहीं देखा, मुझे लगा वही डर है। बिल्कुल, कहाँ रहता है वो? वो देखो उस चट्टान पर एक गुफा में। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं, और उससे भी बड़ी बात वो सिर्फ दो पैरों पर चलता है। यकीन मानो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। यकीन मानो वही होगा, मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, अब वो बचेगा नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकते, याद नहीं रानी ने झगड़ा करने से मना किया था? रानी 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 बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम देखना रानी भी मेरे कदमों में झुकेगी। हाँ? शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, वो अपनी गुफा से निकलकर डर को खत्म करने के लिए चल पड़ा। उसने रानी की आज्ञा का उल्लंघन किया था, लेकिन रास्ते के पेड़ पौधों ने रानी की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने शेर के जिस्म पर लकीरें खींच दी। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ मुकाबला करो। क्यों चिल्ला रहे हो? तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी गुर्राहट और भद्दी लकीरें देखकर मैं डर जाऊंगा? क्या कहा तुमने, भद्दी लकीरें? अब तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालूंगा। जरा अपनी सूरत तो देखो, काले पीले बेवकूफ लगते हो। जुबान को लगाम दो वरना। नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें कौन बचाएगा? और एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। मैंने इसे खत्म कर दिया, अब मैं जंगल का राजा हूँ। अब हम क्या करें? पहले रानी को आ जाने दो। रानी को बहुत गुस्सा आएगा, उसने झगड़ा करने से मना किया था। हाँ, ये क्या हो रहा है? तुम मूर्ख हो, तुम्हें लगता है कि तुमने डर खत्म कर दिया, ऐसा नहीं है। तुमने एक आदमी को मारा है, इसके दोस्त जरूर बदला लेंगे। तुम्हारे कारण मनुष्य हमेशा के लिए हमारे दुश्मन बन जाएंगे। तुमने दो बार जंगल में मुसीबत खड़ी की है, पहले उन हिरणों को मारा और अब इस मनुष्य को। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। ये झूठ है, मैंने उन हिरणों को नहीं मारा। तुमने उन हिरणों को मारा है, अगर नहीं तो बताओ तुम्हारे शरीर पर ये लकीरें कैसे पड़ी? चुप रहो, ये तो मिट्टी के निशान है। यही कहानी है जंगल में कानून लागू करने की, जिसे शेरखान ने गुस्से में आकर तोड़ दिया था और जिसका नतीजा सभी जानवरों को भुगतना पड़ा। हाथी जी, उसके बाद क्या हुआ शेर का? मैं पूरी कहानी सुनना चाहता हूँ। बहुत लंबी कहानी है मोगली, और फिर
रात भी काफी हो चुकी है, जाओ तुम सब आराम करो। अब समझ में आया मोगली, शेरखान तुमसे नफरत क्यों करता है? मुझे भी ऐसा ही लगता है बगीरा। शेरखान सोचता होगा मनुष्य के कारण उसके बदन पर लकीरें पड़ गई। हाथी कहता है मनुष्य से डरकर रहना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता सब मनुष्य एक जैसे होते हैं, कुछ अच्छे भी तो होते हैं बगीरा। तुम्हें मालूम है जब मैं मुसीबत में था तो एक मनुष्य ने ही मेरी मदद की थी, इतनी जल्दी भूल गए? मैं कुछ नहीं भूला मोगली, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और इसलिए हम कुछ मनुष्यों पर विश्वास कर सकते हैं। सुनो मोगली। हाँ? कैसे हो भालू? तुम्हें शेरखान के रास्ते से काफी सावधानी से निकलना होगा। मैंने इस तरह की कमीनी हरकत कभी नहीं देखी, उस बदमाश की ये जरूरत? भालू मैं भी यही सोच रहा था, शेरखान मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसे तब मालूम पड़ेगा जब वो मेरे सामने आएगा। तुम देखना बगीरा, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मान लेते हैं, पर भालू भी ठीक कह रहा है मोगली, दुश्मन को कमजोर मत समझा करो, बेहतर होगा अपने पंजे से अभ्यास करना शुरू कर दो। ठीक है, मैं सबसे अच्छा शिकारी बनूंगा।